हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा लैंग्वेज है जिसे क्यू बेसिक के नाम से जाना जाता है, क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड जिसे बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है। उसमें लूप का यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि लूप का यूज हम कर पाए, चलिए आइए देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके आपको दिखाता हूं। यहां पर पहले मैंने क्यू बी सिक्स टाइप करता हूं ताकि क्यू बेसिक जो डाउनलोड किया वो यहां पे आ जाए। ये देखिए, ये क्यू बेसिक छोटा सा एप्लीकेशन होता है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये ओपन हो गया है। यहां से मैं ओके कर देता हूं। अब यहां पर कोडिंग करनी है तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सीएलएस लिखते हैं। सीएलएस लिख दिया हमने। अब यहां पे लगाएंगे फॉर लूप, फॉर जैसे पाइथन में लगाते थे हम आई, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या रखनी है, या फिर ए रख, कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो यहां पे आई ही दे दिया मैंने। आई की वैल्यू रखनी क्या है, जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू हमें रखनी है 5, तो ये 5 रख दिया हमने। और यहां पे क्या करना है, 5 से लेकर कहां तक ये चलेगा वो आपको दे देना है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं 20 तक चले, ठीक है, 50 तक चले, कहां तक चलाना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। और सिंपली यहां पे प्रिंट लिख दीजिए, किसको प्रिंट करवाना है, आई को प्रिंट करवाना है। अब एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहां पे नेक्स्ट लगाएंगे, नेक्स्ट, ठीक है ना। यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो यहां पे नेक्स्ट लगा करके और फिर इसको यहां से रन करवा दीजिएगा। ये रन होना स्टार्ट होगा, देखिए ये यहां से जाके F5 भी प्रेस कर सकते हैं, यहां से एंटर कर दीजिएगा तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ये रन जैसे ही होगा तो यहां से देख सकते हैं 5 से लेके 20 तक ये नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब देखिए दूसरी बार, अगर मैं यहां पर चेंजेस करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं 1 से लेके 20 तक प्रिंट हो, 1 से लेके 20 तक प्रिंट हो, 1 से लेके 20 तक प्रिंट हो, तो 1 से 20 तक कैसे प्रिंट होगा, F5 कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। अब देखिए ये 1 से 20 तक प्रिंट कर देगा। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसको एग्जीक्यूशन में, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए ये 1 से 20 तक प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया है और इसका रिजल्ट यहां पर आप देख सकते हैं, ये प्रिंट हो गया। तो ये 1 से 20 तक प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से फॉर लूप, फॉर नेक्स्ट लूप को आप यूज कर सकते हैं, आसान है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहां पर अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो क्या ये चलेगा, और चलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक्सिक्यूट करा दिया है प्रोग्राम को और ये प्रोग्राम अब रन हो गया ये इस तरीके से। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये देखिए यहां पे 2 का टेबल प्रिंट कर रहा है, ये देख रहे हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 to the 4 to the, देखिए इस तरीके से आ रहा है, देखिए यहां पे लाइन से 2 का पूरा टेबल। अब ये 20 तक प्रिंट किया, 220 या कितना होता है, यहां तक इसने दे दिया है, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ओके भाई, आपकी बात समझ में आई होगी ये लूप कैसे यूज करना है इसमें, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लूप कैसे यूज करना है, तो आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है ना। पाइथन तो खैर है ही है, ठीक है।